वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ पाइपलाइन ट्रैक। आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा कि मैंने इस्लामाबाद से अयूबिया टनल में कैसे पहुंचा, इसका कंप्लीट रास्ता। सेकंड एपिसोड में देखा टनल के हवाले से, टनल के दो रास्ते थे और मैंने कंप्लीट जो है आपको गाइड किया। इस एपिसोड में आप देखेंगे पाइपलाइन ट्रैक के बारे में, सो फॉलो करें मुझे। मैंने टनल देख ली है। टनल देखने के बाद मेरे पास अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो वापस अयूबिया जाऊँ, अयूबिया चेयरलिफ्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है ये जो ट्रैक में मैं आया हूँ, ये है पाइपलाइन ट्रैक, एक घंटे का ट्रैक है। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस तरह इस ट्रैक में, बिल्कुल सिंपल सा ट्रैक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको, अगर आप अयूबिया में जो नेशनल पार्क की जो नई टनल है वो देखना चाह रहे हैं, इसका दो दिन में सोशल मीडिया में बेशुमार चर्चा हुआ है, तो आप मेरा व्लॉग ज़रूर देखें। उसमें आप देखेंगे कि मैं इस्लामाबाद से कैसे इधर आया हूँ, ठीक है, कितना टाइम मेरा लगा, कौन सा रूट है, किस रूट से आप आएंगे, उसके बाद टनल में जाने का कौन सा रास्ता है। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ डिटेल से बता दी है। आप अगर जब वो व्लॉग देखेंगे, जब भी टनल देखने का आपका हो या पाइपलाइन ट्रैक में आपने आना हो, कहाँ से स्टार्ट होता है, आप ये व्लॉग ज़रूर देखें। अब ये है कि मैं वापस जा रहा हूँ बाइक की तरफ, मैंने पार्किंग में लगाया हुआ है और इस टाइम 11 बज रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे निकला था, 11 बजे तक मैंने देख कर अब आराम सुकून से वापस में जा सकता हूँ। टनल का जो यहाँ पे टाइम है 9 से 4 है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई लोग वगैरह आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आगे क्या हालात है, अगर कोई ब्यूटी है उस साइड। वैसे तो ओवरऑल ये सारी ब्यूटी है, पूरा जंगल ही है, ब्यूटी है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा कोई अच्छा सीन नज़र आता है तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ, अगर कोई सीन नहीं आता फिर मैं वापस इस्लामाबाद की तरफ जाता हूँ। अभी बंदे आ रहे हैं, देखते हैं, पूछता हूँ क्या कहते हैं वो। भजना जी कैसा ट्रैक है? आगे तो बहुत प्यारा ट्रैक है, प्यार है। जाऊँ ना, जो मैं असल में टनल देखने आया था वो देख लिया। टनल किधर है? नहीं आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं गया ना, आगे तो देख लो, बहुत रश है आगे तो। वो उधर डोंगा गली को ट्रैक, ये डोंगा गली गए ना। कितनी देर का ट्रैक है ये? तकरीबन 4 किलोमीटर टोटल ट्रैक है, इधर से लेकर उधर तक। अभी आधा घंटा 35-30 मिनट। मजे की चीज है, हां व्यूज बहुत खूबसूरत है, रश भी है बहुत ज्यादा आगे तो, बहुत रश इधर तो। मैंने कहा यहां पे मैं अकेला ही हूं। नहीं वो आप देख ले, बहुत तकरीबन थोड़ा आगे जो है बहुत ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे। टनल जब आप यहाँ की गेट निकलेंगे ना, एक रास्ता ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, आप नीचे वाले में जाना, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं असल में ना कंफ्यूज था, मैं सोच रहा यार वापस जाऊँ या जाऊँ। बिल्कुल बिला झिझक जाओ, कुछ भी नहीं, व्यूज बहुत खूबसूरत है, आप देखो इससे बहुत प्यारी प्यारी जगह है रास्ते में। चलें, ग्रेट हो गया। नहीं जी, मेरी कंफ्यूजन होगी दूर, मेरा ये प्लान था कि वापस जाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे बड़ा अच्छा ट्रैक है, सो मुझे जाना चाहिए, फिर तो आया हूँ, क्योंकि बार बार हो सकता है मैं साइड ना हूँ। चलें जी, अब पाइपलाइन ट्रैक का जो है स्टार्ट करते हैं। पाइपलाइन ट्रैक अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:10 में, और टनल देखने के बाद अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ पाइपलाइन ट्रैक। फॉलो करें मुझे। आपके साथ 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 थोड़ी सी चिटचैट हो जाए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, हर चीज़, स्पेशली यहाँ के जो दरख्त है, ग्रीनरी है। जब मैं यहाँ तक आया मैंने देखा यहाँ पे तो कोई रश नहीं है, लेकिन ये है कि जब मैं साथ साथ इस तरह, ये भाई साहब बता रहे हैं कि आगे बड़ा अच्छा सीन है, बड़े अच्छे व्यू हैं, देखते हैं क्या हाल होता है। जा रहा हूँ पाइपलाइन ट्रैक की तरफ। मेरे पास अयूबे आने के अब दो ऑप्शन थी, टनल देख ली, या तो आप चेयरलिफ्ट में चले जाएं या आप ट्रैक कर लें। चेयरलिफ्ट मैंने ऑलरेडी जो है मैं वो ले चुका हूँ, सो आई थॉट कि ये लेना चाहिए, टनल ट्रैक की तरफ आना चाहिए, क्योंकि एक नई चीज़ है,
लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है और कैसे जो है वो व्यू मिलते हैं। जिंदगी बहुत ही नेमत है। अच्छा ये नज़ारा, ये पाइप ना, ये मुझे पाइप नज़र आ गया, आप समझ आई। यहाँ पे पाइप बिछे हुए हैं इसलिए इसको पाइपलाइन ट्रैक कहा जाता है। वाह, ट्रैक में भी शॉप है खाने पीने की। अस्सलाम वालेकुम, ये जी बता रहे हैं ट्रैक का 3 किलोमीटर भी हो रहता है, 1 किलोमीटर राइट साइड है। ये सारी हिस्ट्री दिखा रहे हैं। इट्स मीन मैं अभी तक 1 किलोमीटर चल के आया हूँ। नाज़रीन तकरीबन 1 घंटा हाइकिंग के बाद, हाइकिंग कहेंगे या ट्रैकिंग जो भी कह लें, उसके बाद मैं आ गया हूँ वापस की तरफ आ रहा हूँ। और मज़े का ट्रैक है, बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है ये जो बेसिकली ट्रैक है। ये अयूबिया से दोगा गली मतलब नच्छा गली की तरफ जाता है। क्या ब्यूटी है, यकीन जाने मज़ा आ गया। वाह कमाल, क्या व्यू है कमाल का। हर अच्छी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। लाइक दिस हाइकिंग वगैरह बड़े यहाँ पे लोग आए हैं। और मजे की बात तो ये जो ट्रैक है ना, इसमें फैमिलीज हैं। जो मशकपुरी ट्रैक है उसमें फैमिलीज का जरा बड़ा मुश्किल है। इस ट्रैक में फैमिली के लिए बेनिफिट है, लेकिन मशकपुरी ट्रैक में यह है कि जब आप घंटे की हाइकिंग करते हैं और उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको एक व्यू मिलता है, एक पहाड़ी सा एक
लाइक तोली पीर की तरह एक मकाम है वो नज़र आता है, और उसमें आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक तरफ से निकले दूसरी तरफ जाएं बाजार आ जाता है। इसमें और कुछ नहीं है, बस ट्रैक है। ये है कि जंगल का आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं। मौसम बहुत प्यारा है। मैं बेसिकली आया था टनल के लिए। टनल देखने के बाद मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा पाइपलाइन ट्रैक भी कर लिया जाए। ट्रैक देख रहे हैं आप, ये है ट्रैक। ओए ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लेपर्ड, वाइल्ड कैट, स्नेक, रैबिट, बड़ी चीज़ें यहाँ पे। हेलो गाइस, पाइपलाइन ट्रैक करके मैं वापस आ रहा हूँ, और थोड़ा सा रह गया। काफ़ी मज़े का ट्रैक है, बिल्कुल डिफरेंट सा ये है, फैमिली ट्रैक है। काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि हमें ट्रैकिंग की आदत नहीं है। जिनको आदत है उनको पता है उनके लिए रूटीन भी काम है। सिर्फ 4 किलोमीटर है, सिर्फ 4 किलोमीटर, लेकिन पूरा 1 घंटा 50 मिनट लग जाता है। लेकिन ये कि यहाँ पर जब भी आए, ये बेसिकली यूबिया का पॉइंट है, ठीक है। इसके दो ऑप्शन है यहाँ आने के, एक आप नथिया गली के थ्रू डोंगा गली से आ सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन है आप यूबीआई में चिल्ड्रन प्ले। और जो रिसेंटली अभी एक टनल जो है, टनल के बारे में जो एक्सप्लोर हुई है, टनल देखें, टनल के साथ ही ये ट्रैक आ रहा है, पाइपलाइन ट्रैक, और ऐसे ही ट्रैक जा रहा है सीधा। ये 1 किलोमीटर से भी कम है, मैं पहुँचने वाला हूँ वापस। और काफ़ी अच्छे रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। बिल्कुल अभी मैं वापस की तरफ जा रहा हूँ, फॉलो करें आप। पाइपलाइन और टनल से वापसी का यही रास्ता है। अब मैं वापस जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ। ये जो आप नीचे वाला व्यू देख रहे हैं, ये नीचे सीधा जाता है टनल की तरफ, ठीक है, और यही रास्ता सीधा जाता है पाइपलाइन ट्रैक। ब्रदरन, मैं फाइनली वापस आ गया हूँ, पाइपलाइन ट्रैक भी कर लिया और टनल भी देख ली, दोनों काम कर लिए। अब ये सामने देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया वापसी का है। कमाल का एक्सपीरियंस था। टनल भी यूबी आने के लिए ना, आपको 3 मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी। 1, चेयर लिफ्ट। 2, न्यू जो टनल अभी ओपन हुई है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, अभी जस्ट 2 दिन हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी दुनिया आ गई है। 3, पाइपलाइन ट्रैक जो सीधा नथिया के लिए जाता है, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी है, यहाँ पे फैमिली वगैरह आ सकती है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रैकिंग में कि फैमिली ना कर पाए, बहुत सिंपल सा ट्रैक है, फैमिली ट्रैक कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही ट्रैक है। अब मैं वापस पिंडी की तरफ जा रहा हूँ, और टूर में मैंने तमाम जो है बनाई है वीडियो वगैरह, यहाँ पे कैसे आए हैं, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, कौन सी डायरेक्शन जा रही है, और यहाँ पे टनल देखने का क्या हिसाब है, कितना चार्ज कर रहे हैं, उसके अलावा जो है पाइपलाइन ट्रैक, वहाँ की ब्यूटी, सारा कुछ। बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी, इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी कोई यहाँ पे आ रहा हो टनल देखने वाला, तो उसको एक अच्छा सा, मैंने कोशिश किया कि मैं गाइडलाइन कर सकूँ, अच्छा सा मैं उसको गाइड कर सकूँ। अभी हम चलते हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ पर मेरा बाइक खड़ा हुआ है,
और फाइनली जो है वासी में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ, मरी चुका जो है इस्लामाबाद से मरी से जो है यूबिया यहाँ तक पहुँचने की मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है वो मैंने बनाई है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अभी नीचे देख रहे होंगे अगर आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे जो है टनल की तरफ जा रहे हैं, बड़ी दुनिया, ये दुनिया पागल हुई हुई है, बिलीव करें दुनिया पागल हुई है, इतनी दुनिया आई हुई है। मैं समझ रहा था कि शायद मैं ही पागल इंसान हूँ जो यहाँ पे पहुँचूँ, 2 दिन से कह रहे हैं कि बड़ी दुनिया आई है, कल भी बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी, है क्या जस्ट एक। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो है पार्किंग है ना उस गार के हुए टनल के जो है ना उसके अंदर है, और हम उसके ऊपर जो पार्किंग बनाई हुई है कमाल की है, एक डिफरेंट सी चीज़ है, मज़े की चीज़ है। अब मैं जा रहा हूँ पार्किंग की तरफ, फॉलो करें। क्या व्यू है नाज़रीन, कमाल का, ऐसी ब्यूटी आपको दुनिया में भी नहीं मिलेगी। मजे की बात है, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी ब्यूटी दी है कि जो सारी है ना ये नेचुरल ब्यूटी है, एक चीज होती है आर्टिफिशियल, उसका इतना मज़ा नहीं है। ये मैं दिखा दूँगा, ये नीचे जहाँ पे लोग खड़े हैं बेसिकली ये है, ये जगह देख रहे हैं आप, इसका ये रास्ता है, एक इसका ऑपोजिट है जो आप वीडियो के शुरू में देखेंगे, 2 रास्ते हैं, और यहाँ पे आप बाइक में भी आ सकते हैं, देख लें बाइक भी खड़े हुए हैं। यहाँ के मुकामी कहते हैं कि जब से टनल का पता लगा यहाँ पे दुनिया इतनी आई है और यहाँ पे रोजगार खुल गए काफी लोगों के। ये है जी वापसी का, यहाँ पे तो काफी लोग आ चुके हैं। ये यहाँ का नाज़रीन पार्किंग एरिया है, आपने अपनी गाड़ी पे आए हैं, बाइक पे हैं, आपने यहाँ पे लगानी है, मजे की जगह है। क्या हुआ? मैंने आपको